कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर तबला तोड़। वैसे आप ये मत समझिए कि पहले हमारा माइक खराब था, बात यह है कि आज है हमारा म्यूट पार्टनर स्पेशल। आज हर जोड़ी में सिर्फ एक ही पार्टनर बोल पाएगा। अर्चना, आप हमेशा कृष्णा की तारीफ करती हैं, है ना? यू ऑलवेज से यू वांट टू टेक हिम होम, लेकिन एक्चुअली कृष्णा के दिल में क्या है ये आज सुदेश आपको बताने वाले हैं। प्रेजेंटिंग कृष्णा के दिल की कहानी सुदेश की जुबानी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। पहले बड़ी बातें करते, बड़ी तारीफें सुनी, अब बोल बोल। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी तरह थोड़ी हूँ कि बार बार मारता रहूंगा। सॉरी सॉरी, मौका है, मैं क्या पूरा कर लूँ। सोहेल साहब और अर्चना जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज म्यूट पार्टनर राउंड है, हर जोड़ी में से एक बंदा बोलेगा और एक चुप रहेगा, है ना अर्चना जी? करेक्ट। हाँ जी, एक्ट के बाद आप भी फिर एक ही बोलना है। अच्छा, और आप डिसाइड कर लो कौन ज्यादा टैलेंटेड है वो बोले, जैसे मैंने कर लिया मैं बोलूंगा। सोहेल साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ रेडी फिल्म के बाद। अच्छा, रेडी फिल्म के बाद? इन्हें मौका दिया ना उन्होंने। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, आप ना हर एक्ट के बाद इतने कभी कभी जज्बाती हो जाते हो, इतने लंबे कमेंट्स देते हो, इतने लंबे, कई बार तो आपके कमेंट्स का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ना सर, वो CID में आ रहा होता है। सर्कस के बाद आता है अर्चना जी आपके बारे में, कहता है उनको जाके बोल देना कि अब इस स्टेज पे मैं फिल्म की प्रमोशन नहीं करूंगा। कहता लोग मेरे को पूछते हैं क्या खाम खा अपनी फिल्म की प्रमोशन करता रहता है, ये कहता कि मैं अपने लिए नहीं करता, अर्चना जी के लिए करता हूँ। कहता मुझे प्रमोशन की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैंने काम अच्छा किया है, ये कहता है। चले अच्छा बोल, अच्छा बोल नहीं सकता, थप्पड़ मार सकता है, जितने मर्जी थप्पड़ मार ले, अब मैं एक्ट के बाद ही रहूंगा साले। खैर मैं अपने बारे बताऊं, मैं सिंगर हूं, ये मेरा शिगिर्द है, बहुत ही होनहार साले, देखता कि इज्जत का मेरी। ठीक है ठीक है साले, पेमेंट तू भी लेता है मेरे साथ, एक्शन कर, गाना मैं गाऊंगा, आजा। सबसे पहले सोहेल जी नमस्कार, आदाब, टाटा सर, सत श्री अकाल। मैं देखो मैं सिंगर बनने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं छोटा सा था, मुझे आज भी याद है, मैं ये गाना वाना सिर्फ अपने पापी पेट के लिए गाता हूँ। पेट की बात की है साले, नापी की नहीं। कोई बात नहीं। मैं झोली फैला के कोई बात नहीं, मुंह साफ कर लूं, बातें अच्छी नहीं तो मुंह तो अच्छा होना चाहिए, झोली फैला के नंबर मांगता हूं सर, लेकिन अभी नहीं देना है, तभी बाकी है, तो मैं गाना पेश कर रहा हूं। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। थैंक यू थैंक यू। तो मेरा कर रहा है, मेरा मौका क्या तेरे को दे दिया, अरे चल तेरी औकात। ओए सो गया, कोई बात नहीं, हम भी आराम कर लेते थोड़ा। सबसे पहले थोड़ी भक्ति करेंगे, फिर आप किसका निशान। सबसे पहले मैं थोड़ा योगा कर लूं पहले। अब की नजर बैठ के गाना गाना चाहूंगा,
थोड़ा डांस भी हो जाए। मुक्काला है प्यार का लैला, ओ लैला। मुकाबला है प्यार का लैला, ओ लैला। यार गर्मी बड़ी हो गई है, दिल करता है कपड़े उतार दूं। आपकी इजाजत हो तो मैं अपना पजामा उतार दूं। गर्मी है ही बड़ी। मैं बिल्कुल नहीं शर्माता। अब देख बड़ी टांगे दिखाती हूँ, मेरी टांगे। मैं आपको सबके सामने अपनी टांगे तोड़ के दिखाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, देखो। कुछ नहीं होता मुझे। देखो मुझे कुछ नहीं होता, नहीं लगता मुझे, नहीं लगता। शाबाश मेरे शागिर्द। अब मैं आपके सामने पिरोडी, लेकिन फोन कर ले राज को, कर लूं। इसका पता नहीं बोल ही ना पड़े सर, लॉक करा देगा। हेलो राज। हाँ बाकी सारा गंद बंद हो गया स्टेज पे, पिरोडी लिखी है? कहता नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी बोलते। बजाओ भी। कल तक मुंह ना खोला था, अब चुगलियां लगा हूं बकने। अब घटना लगी है घटने, क्यों लगी है सबकी आग, जो समझा वही था। तुझे टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि सोहिल है तेरे पास। What the hell? हंसाने आए हैं हम, हंसा के जाएंगे। ना हंसा पाए तो माँ की गाली खाएंगे। है अर्चू और सोहिल बड़े ही महान। बैठे देखो लगते ये पहलवान। टैलेंटेड बड़े हैं श्वेता और कपिल। इन दोनों को कहना है कोने में मिल। सिद्धार्थ डराए शकल दिखा के, शकल। ठाकुर जी को कहना है चल बे निकल। विशाखा मंत्रा ने नया क्या किया। ये टिके हैं अभी तक, ये इनकी दया। आते हैं सेट पे बड़ा ऐठ के, पर फाइनल ये देखेंगे घर बैठ के। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया घर बैठ के। घर बैठ के देख ही नहीं सकते, इनके घर पे टीवी नहीं, इनके घर पे तो एलसीडी लगा है। हंसाने आए हैं हम, नहीं होते तो जाते किधर। हंसने के लिए तुम जाते तरस। हंसाने आए हैं हम, हंसा के जाएंगे। ना हंसा पाए तो माँ की, तेरी माँ। अब ये बोल नहीं सकता, तेरी माँ की गाली। ताली। थैंक यू। अर्चना जी, हमेशा आप कहती हैं ये कॉमेडी सर्कस की सबसे बेस्ट जोड़ी है, आज इन्होंने क्या ये एक बार फिर से प्रूव कर दिया।
यू नो मेरा बेटा फुटबॉलर बनने जा रहा है और परमीत उसको हमेशा बोलते हैं कि बेटा टैलेंट नहीं, 1% टैलेंट और 99% डेडिकेशन चाहिए किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ तो 100% टैलेंट है और 200% डेडिकेशन और मेहनत। हाउ कैन यू गाइज नॉट बी द बेस्ट? यू आर एब्सोल्युटली सुपरलेटिव, फैंटास्टिक। मैं ये चाहूंगा कि मैं वहां आके आप लोगों के गले मिलूं यार। मेरी पैदाइश फिल्म इंडस्ट्री में हुई है और मैंने इतना सारा टैलेंट देखा हुआ है मेरे घर से, जो जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैंने काम शुरू किया था 16 वर्ष की उम्र में, मेरी उम्र 40 की हो गई है और यहाँ उन्हें इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अभी भी मुझे यहाँ आके सीखने को मिलता है दैट यू बॉयज आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड प्लीज कीप अप द गुड वर्क एंड जस्ट एजुकेट अस यार, इट्स फैबुलस। थैंक यू सर, थैंक यू। सोहेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप स्टेज पे आके हमें कहेंगे कि हम दोनों पे आप फिल्म बना रहे हैं। थैंक यू। चलिए तो जजेस मार्क्स एक साथ ही दे दीजिए, लेट्स सी व्हाट दिस स्कोर्स आर। अभी उल्टा करने की जरूरत है क्या इतना सब? जो इनके पास है इन्होंने आपको दे दिया। आज के बाद आप मेरे टॉम एंड जेरी हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। As Charlie Chaplin and Vishakha as bar owner. पीलो 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 सब पीलो, हाँ लेकिन उधार की दारू बंद। कौन है जो बिना पैसे की दारू पी रहा है साले? तू तुझे कितनी बार बोला है मैंने बिना पैसे की दारू पीता है साले? देखा, अगर कोई उधार की दारू पिएगा तो उसका यही हाल होगा। चलो आ जाओ। सर, बोलिए क्या पीएंगे आप? सर इतना क्या सोच रहे हो सर? इतना तो हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने भी सोचा होता। अगर इतना सोचते तो डायलॉग मेरे को देके आपको म्यूट पे नहीं रखते। बताओ ना कुछ पियोगे? साले मैं तेरे को सर बोलूं तो ठेंगा दिखा रहा है क्या? अच्छा क्या मुझे बुलाया आपने? एक मिनट, ले इसे भी मैं नहीं चाहिए। तेरी माँ का सॉरी क्या चाहिए? माँ का, बहन का कि वोड़ का? क्या पिएंगे, इसकी उसकी या इसकी? अरे पीने के लिए सेहत चाहिए, सेहत देखो ऐसी देखो। बोलो क्या पिएंगे? अच्छा ओ साले लिखता है फटीचर पीनी अंग्रेजी वाली दारू।
पता नहीं इसके पास पैसे हो गए कि नहीं। पेक के साथ बिल भी देती हूँ, साले की औकात का पता चल जाएगा। बिल अरे 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 बिल को फाड़ दिया। देख लिया अर्चना जी, इसने बिल फाड़ा है। अगर आपको आया कच्चा नहीं लगा तो उसका बिल भी उसके ऊपर ही फाड़ना। हाँ खुद गया। अरे अरे साले तू तो ये बड़ा कमीना बंदा है ये, लेकिन क्या करे धंधा तो धंधा है। क्या पिलाएंगे आपको, कुछ पिलाऊं या बुलडोजर चलाऊं? एक और पता नहीं इस बंदे के पास पैसे है भी नहीं। उसको बिल दे देती हूँ। ये लो। अच्छा साले इतनी महंगी वाली दारू पी ली इसलिए कांपने लगा ना। वो छोड़, पैसे निकाल, पैसे निकाल। क्या करे क्या बात है, आज का काम हो गया। बगीचे पे पंखुड़ी मार के फेंकी। ठीक है क्या करो अभी मैं। हे उठ यार, अरे उठ यार, अरे इसका क्या करूं मैं, गोल गोल घूमता जा रहा है। अरे उठ यार, हे भगवान। देखा मॉरल ऑफ द स्टोरी, शराब और शबाब दोनों का कॉम्बिनेशन जानलेवा हो सकता है। आई वॉज quite mesmerized by this act. And please say something. मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाज। Thank you, Shana ji. Thank you. Because तुम normally इतना बोलते हो, इतना ज्यादा बोलते हो मंत्रा, कि आज इस act में तुम्हारी बोलती बंद कर दी थी। I think आपने एक tribute दिया है चार्ली चैपलिन को, and you've done it very well, Mantra. Just imagine, yes, hats off to you for doing what you did. Very nice. And Vishakha, लाइव स्टेज पर फिजिकल कॉमेडी करना, मतलब एज एन एक्टर आई फील आपने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया और आपने उसे बहुत काबिलियत के साथ एग्जीक्यूट किया। थैंक यू। दुनिया के सबसे फेमस कॉमेडियन को ये ट्रिब्यूट आपको कैसे लगा? आई थिंक मंत्रा, जो पहले हम लोग ने आई थिंक फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स
I said that you look a lot like Laurel. Yes, and sir. आपने जिक्र किया था कि a lot of people even told me that probably I can do a lot of Charlie Chaplin. Yes, sir. और आज तो मतलब सुरेंदर तू एकदम perfect timing पे मतलब. Yeah. It really added to the whole act. Really, very well. मेरा ये कहना है कि अब वो he was a comedian but he's a very good looking man. Exactly, sir. He's a very good looking man. Handsome you know, man. You know, you're a very handsome man. People do, you know, have not seen that side of him. Now you're dying to hear and you look like him. And you look like him. तारीफों के पुल तो आप लोगों ने बांध दिए हैं लेकिन अब स्कोर्स भी हो जाएं. 9 points. Archana. I'm going to give you a 10. So thank you so much. Welcome, Bharti as blind girl and Siddharth as various character. Hi! कैसे आप सब? कैसी लग रही हूँ मैं आज? हर बार की तरह hot and sexy ना? Thank you so much. लेकिन आप लोगों की नजर बहुत गंदी है. एक मिनट. कहीं नजर ना लग जाए. ए फुलतुरुबम इधर आ. और इनसे मिलिए. ये है मेरे हस्बैंड गंगेश. लेकिन आज ये गंगेश नहीं गुंगेश है. क्योंकि आज ये बोलेंगे नहीं. और आज आज मैंने अपने खूबसूरत पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. हाँ करवा चौथ. यस गुगू आज के सारे एपिसोड में आप बोलोगे नहीं तो आज लगता है 10-10 पक्के. यस इसकी मारने की भी टाइमिंग खराब है. हट. लेकिन आज चांद क्यों नहीं निकला हुआ. बहुत भूख लग रही है मुझे. पागल मैं पागल हूं. दिन में कहां चांद निकलता. ओहो दिन में चांद नहीं निकलता. लेकिन मैं आज दिन में करवा चौथ का व्रत तोड़ूंगी. सोहेल जी एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे ना वो नाइट विजन का प्रॉब्लम है. 6 बजे के बाद मेरी आंखों के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं. मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता. कुछ भी नहीं. सोहेल जी इन्फॉर्मेशन ही इन्विटेशन है. ए, अर्चना जी समझाओ इस मोटी को. इसका बाप आया था मेरे पास घुटनों के बल चल के. मेरी मोटी से शादी कर लो. मेरी मोटी से शादी कर लो. मैंने कहा मैं इतना खूबसूरत और ये मोटी बैज हट. मेरे पापा ऐसे करके आए थे. बदतमीज मजाक उड़ाते हो. मेरे पापा ऐसे आए थे. उनकी हाइट ही इतनी है. क्या टाइम क्या दिखा रहे हो. 6 बज गए. 6 बज गए. बल्ब फ्यूज. ओह माय गॉड दिखना बंद हो गया. ए क्वाक क्वाक समझी नहीं मेरे पति ने क्या कहा. अरे मेरे पति ने कहा ये मोटी अंधी हो गई है. इसको कुछ नहीं दिख रहा. बाहर आ मस्ती करे. खुसर पुसर कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे. सुनो मुझे पता है मैं सेक्सी लग रही हूँ आज. जवान हूँ. जवानी से भरपूर हूँ. लेकिन सुनो आज मेरा कोई फायदा नहीं उठाएगा. हाँ मेरे घर की कुंडी ना एक लात मारो तो टूट जाती है. लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं उठाएगा. हाँ और अगर पीछे से आके मुझे कोई जफ्फी डाल लेना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. लेकिन सुनो मेरा कोई फायदा नहीं उठाएगा. कोई फायदा नहीं उठाएगा मेरा. कोई फायदा नहीं उठाएगा. आप लोग भी ना सीरियस हो जाते हैं. ये कॉमेडी शो है. खैर सोहेल जी ये देखिए कितना बड़ा घर और इतना सारा सामान. ये सारा मुझे गिफ्ट मिला है. ये देखिए फ्रिज. किसने दिया मुझे. ठाकुर ने. जैसे उसका एक्ट ठंडा वैसे उसका गिफ्ट भी. और ये देखिए. खैर बहुत बोल लिया. थोड़ा टीवी देख लूं यार. आजकल की न्यूज में क्या हो रहा है. टीवी किधर था. 1, 2, 3 टीवी मिल गया. आज के मुख्य समाचार. आज मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक खूंखार चोर के घूमने की खबर है जो सुंदर लड़कियों के साथ उनके घर भी लूट लेता है. क्या? Oh my God! एक खूबसूरत कमसीन जवान घर में अकेली और वो लड़कियों के साथ साथ घर भी लूटता है. अगर उसने मुझे अपना शिकार बना लिया. नहीं यार पागल हूँ मैं. नहीं आएगा वो. नहीं आएगा. लेकिन मैं भी तो हद से ज्यादा सेक्सी और जवान हूँ. नहीं नहीं आएगा. नहीं आएगा. नहीं आएगा. नहीं आएगा. लेकिन यार सेफ्टी तो जरूरी है ना. मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ. हम मैंने दरवाजा बंद कर लिया.
अब सामान देखती हूँ कि अपनी अपनी जगह पे ठीक है ना। मेरा फ्रिज चार कदम पे था, एक दो तीन चार, फ्रिज है मेरे ठाकुर का फ्रिज है। लेकिन मेरा महंगा वाला ओपनर पड़ा था, वो किधर है? है? ये ओपनर नहीं, ऐसे लगता है किसी ने ओपनर हटा के चाकू रख दिया हो। इतनी गर्मी है यहाँ पे। मेरे पप्पा की निशानी, मेरा टेबल फैन किधर है? चार कदम पे था, एक दो तीन चार, टेबल मिल गया। फैन किधर है? बटन मिल गया। ये नहीं चलेगा पंखा, मुझे पता है। सुहेल जी, अर्चना जी, इतना ढीठ पंखा है ना कि जब तक 35 डिग्री उड़ के कस के मुक्का बना के उछल के इसके बटन पे ना मारा जाए ना, ये साला चलता ही नहीं है। जय महाराष्ट्र! टूट गया। थैंक गॉड, मैं तो गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती अपने घर में। टॉमी, ये मेरा टॉमी, ये तेरे से कुत्ते की स्मेल क्यों आ रही है? टॉमी, टॉमी तो मेरी बिल्ली का नाम है ना। टोमू, ओए ओए, ऊपर करो ऊपर। हाँ, कल जो बेड पे सुसु किया था उसकी मार तो खाना भूल ही गया तू। उसकी मार पड़ेगी तेरे को, उसकी मार। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जानवर को मारूंगी, बिल्कुल भी नहीं। इस शो के दौरान हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज जानवरों को मत मारिए, ये भी हमारी तरह होते हैं, इनमें भी दर्द होती है, प्लीज इनको प्यार कीजिए, जनहित में जारी। लेकिन जो इंसान जानवरों से भी बदतर काम करते हैं उनको मारना नहीं चाहिए, ऐसे बना के उनके पेट में चुंडी काटनी चाहिए, पिछवाड़े पे लात मारनी चाहिए, मारना चाहिए उनको, मारना चाहिए ऐसे ऐसे। तू चुप कर, तू चुप कर, आज म्यूट पार्टनर राउंड है, चुप कर तू। अबे काहे का म्यूट, इतना मार रही है, लाइफ टाइम म्यूट हो जाऊंगा। सोहेल भाई, अर्चना जी, जल्दी मार्क दे दीजिए, नहीं तो लाइफ टाइम का म्यूट हो जाऊंगा मैं। जल्दी मार दीजिए प्लीज, बंद करो म्यूट राउंड, प्लीज बंद करो, खत्म हो गया, बोलो उनको भाई। आइए आइए आइए, सोहेल, इनके चोरी की रिपोर्ट अब आप हमें बताएंगे। परफेक्ट टाइमिंग and an extremely choreographed, very well-timed, entertaining act. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Archana ji, आप क्या कहेंगे इनके act के बारे में? Undoubtedly, ऐसे acts, ऐसी themes हमारे comedy circus की जोड़ियों को ही दी जा सकती हैं। ऐसा दुनिया में कोई show नहीं होगा दूसरा, जहाँ पर ऐसे कलाकार हैं जो इतने कम time में क्रिएटिव टीम इतना बढ़िया एक आइडिया देती है और हमारी जो टीम्स हैं वो इतनी बढ़िया तरीके से उसे एग्जीक्यूट करती हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो सुहेल, अपनी जान का फायदा तो आपने उठाया नहीं, लेकिन अपनी जान को कितने नंबर देंगे आप? 9 points. अर्चना, 9 points. थैंक यू सर। चिट्ठी का प्यार लेकर आ रहे हैं कपिल एंड श्वेता एज नेबर्स, प्लीज वेलकम देम। हेलो टीना, यार हेलो, टिंकू बोल रहा हूँ। हेलो, तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? छोड़ ना उसको। अच्छा बता, कल फ्री हो? नहीं तो कितने पैसे? खुद ही तो बोल रही फ्री नहीं तो फिर मैं बहुत रबिश, अजनबी लोगों से बात नहीं करती। एक बात सुन, जब तू पैदा हुई थी अपनी माँ को जानती थी? नहीं ना, तो ए फोन काट। तो काट दिया तो मेरा, मेरे को भी तेरी आवाज कोई इतनी पसंद नहीं है, इतनी गंदी आवाज थी, ऐसा लग रहा था मेरे कानपुर वाले चाचा के गल में कुल्फी फंस गई है। हट। मैं कहता हूँ भाई, लड़कियों के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। और स्पेशली मुंबई की लड़कियां तो इतनी तेज होती, तू क्या मुंह खोल के हंस रही है? मुंबई की लड़कियां इतनी तेज होती ना, सबसे शरीफ और मेहनती लड़कियां बैंकॉक की, मतलब इतनी मेहनती होती, इतनी प्यार से मसाज करती, कभी मसाज करा के देखो आप सुहेल भाई, कसम से कहता हूँ, ये जो बगल में भोला मसाज वाला बैठे इसको भूल जाओ। ये बात नहीं, मैंने सिर्फ गरीब लड़कियां, मैंने गरीब लड़की एक फसाई, ओ माय गॉड, गरीब लड़की फसानी नहीं चाहिए, मैंने फसाई, मैंने वैलेंटाइन डे पे कार्ड दिया उसको। कमीनी सुबह आके थी, जानू तुमने कार्ड दिया बड़ा अच्छा था, मैं तो पूरा खा ही नहीं पाई, बाकी का मम्मी ने खाया है। और ये नहीं कि मैंने सिर्फ गरीब लड़कियां फसाई, मैंने अमीर लड़कियां बड़ी फसाई। एक मैंने इतनी अमीर लड़की फसा ली सोहेल भाई,
आप यकीन नहीं करोगे, चार होंठ थे उसके। दो से पप्पी लेती थी, दो से शरबत पी जाती थी एक्स्ट्रा। और तो और एक हाथ की 9 उंगलियां, एक की 10 थी। एक ही हाथ से पियानो बजाती थी, फिर भी एक उंगली बच जाती थी कान में मारने के लिए। और एक जैसे हम जैसे गरीब लोग, मेरा दादा ना रोटियां लेने के लिए हाथ आगे करता था, मेरे बाप ने दोनों हाथ कटवा दिए। लेकिन अब परमात्मा की इतनी कृपा ना, हमारे घर की कंडीशन ठीक हो गई। मेरी छोटी बहन 2-2 लाख के सूट पहनती है। ये जो काम देनु गारमेंट्स नहीं है, उसमें डमी बन के खड़ी रहती है। शाम को 200 रुपया मिलता है उसको। ये पानी क्यों गिरा रही है? ये तो पानी लगता ही नहीं मेरे को सीधा ऐसे। ए मोहल्ले में नई लड़की, मांग में सिंदूर भी नहीं है, लगता तलाक हो गया। पर हो सकता है कुंवारी हो। कितना शर्मा रही, ये होती लड़कियां। एक हमारी मैडम है, गंदे पंच में भी इतना गला खोल के हंसती है ना। ए, इतना शर्मा क्यों रही, तेरे को पत्थरी तो नहीं? नाम क्या है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मुझे मूछों वाला बाप बना दोगी? अभी तो देखो कितना शर्मा रही थी। ऐसी लड़कियां होती, पहले दिन इतना शर्माती हैं जब मिलने आती हैं, और दूसरे दिन दूसरी मुलाकात पे स्कूटी लेके मेडिकल स्टोर के आसपास चक्कर लगा रही होती है। ए क्या व्हाट? अच्छा तेरे पापा घर पे है? झूठ बोलती साली, 2 लोगों के एक्ट में तीसरे का खर्चा तेरा बाप देगा? आएगा बाप तेरा? अच्छा आवाज ना जाए घर तक, चिट्ठी लिख के भेजूं? ओके चिट्ठी लिखता हूं। तुम मुझे कब से देख रही हो? मुझे पसंद करती हो कि तुम्हारा प्रोफेशन है? ओहो गली में फेंक दी चिट्ठी। इतना फासला है ना दोनों घरों में, बालकनियां नजदीक कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। क्या बोल रही है? फालतू बातें मत करो, ये बताओ कितना पढ़े लिखे हो? अगर एमए इंग्लिश की है तो तभी शादी करूंगी। अच्छा एमए इंग्लिश, साली खुद चिट्ठियां हिंदी में लिख रही, वो भी इतनी गलतियां। और लड़का तेरे को, एक तो सी फेस घर का, ये बड़ा फायदा है। लिख रही है कि लिखना तो आई लव यू चाहती थी, पर आई के स्पेलिंग नहीं आते। डफर, आई के स्पेलिंग नहीं बता, सिंपल है ई वाई ई। ए तेरे को लड़का एम ए इंग्लिश चाहिए? साली कच्चे तो देसी सुखा रही है वो भी। इतने बड़े बड़े कच्चे, पूरी फैमिली एक ही कच्चा पहनती हो क्या? ये कच्चा क्या, ग्रुप कच्चा है ये। और सुन मेरी बात, मेरे से शादी कर ले, बड़ा टैलेंटेड हूं मैं। 4 सीजन तक रोहित शेट्टी मेरी तारीफ करता रहा, लिया फिर भी कृष्णा को। देखिए सर प्रॉब्लम पता क्या है सर, हर बात में पंच नहीं होता, कुछ चीजें अपने फ्यूचर के लिए भी बोलनी पड़ती हैं। जैसे तारीफ तो आप ही बड़ी करते हैं मेरी, लेकिन कल को पता चले आपने ठाकुर में ले लिया ठाकुर को अपनी फिल्म में, और आपकी जगह कोई और जज आए अगले सीजन में, ठाकुर आके बोल रहा हूँ सर जी आपको तो पता है मैं सोहेल खान की फिल्म कर रहा हूँ, अर्चना भी कर रही है, जयपुर में सेट लगा और मैंने बड़ा गंदा काम किया है। ये चीजें नहीं चाहिए अपने को। ए गुंगी बोलती नहीं है, एक तो लड़कियां इतनी भी, बीवी होनी चाहिए बोले ना, लेकिन इतना भी कम क्यों बोल रही है ये? क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? मैं तो तुम्हें उस दिन से प्यार करती हूँ जिस दिन तुम लंगर में से रायता अपनी जेब में भर रहे थे। ए, मैं तो रायता भर रहा था, तू क्यों रायता फैला रही है? और मेरी एक बात ध्यान से सुन, अगर तूने एक भी और चिट्ठी फेंकी ना तो तेरा ये जो सीरियल आ रहा ना, क्या बच्चों वाला, माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं परवरिश, उसमें तेरी उसी बेटी को जाके दिखाऊंगा, ये तेरी माँ देख क्या करतूत कर रही है, चिट्ठियां फेंक फेंक के आशिकी करती है। और सुन मेरी बात, मुद्दे की बात पे आ, क्या बातें कर रही तू? ओफो फिर गली में फेंक दी चिट्ठी इसने। वो गली भी है, समुद्र भी है, सब कुछ। इधर कर अपना मकान इतना टाइट करके रखा। क्या लिखा? कहती प्लीज मुझसे शादी कर लो, मेरा इस घर में दम घुटता है। तो मेरे घर में कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगा है? मेरे बाप को आके देख, उसको चैन ही नहीं मिलता, इतना बेचैन है ना। उधर पता चला बड़ी भाभी प्रेग्नेंट है, मां कहती मेरे को भी उल्टी आनी शुरू हो गई है तेरे को। मैं कहती मुझे कुछ नहीं पता, जिस हाल में रखोगे रह लूं। अरे हाल तो हमारे घर में है ही नहीं, हमारे घर में तो किचन भी नहीं है, हमने कमरे में सिलेंडर रखा, उसके ऊपर लिखा हुआ किचन। इतने गरीब आदमी मैं क्या बताऊं आपको, लॉटरी में फ्रिज निकला, फ्रिज रखने की जगह ही नहीं थी, हमने उसको ऑफ करके उसकी अलमारी बना ली।
बाथरूम की अलमारी रखने के लिए बहुत जगह थी हमारे पास। बोलती नहीं है तू, क्या फिर गली में फेंक दी तेरी माँ की, तेरा मकान अंदर छोड़ा। क्या लिखा है? मुझे कुछ नहीं पता, बस इस दलदल से निकाल दो। जानू जानू, यू लव मी सो मच। ठीक है, हम आज शाम भाग के शादी कर लेंगे। तू शादी की तैयारी कर, तू बस जा भाग जा, आज लेके भागेंगे। मेरे को आज यकीन नहीं हो रहा, वो फो गली से निकल रही, उधर से निकल मर जा। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही आज। Oh my God, मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी हो रही है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताऊं सोहेल भाई, मोहल्ले में लड़की पटाना सबसे डिफिकल्ट काम है। झूठ नहीं बोल सकते ना आपकी, मेरे पापा के पास मर्सिडीज है, सबको पता है घंटी वाला साइकिल है, उसके लिए भी दोनों भाई लड़ रहे हैं कि आगे वाला टायर मैं रखूंगा पीछे वाला तू। अभी साले आगे वाला टायर लेके गया तू, उससे चलाएगा, पागल लोग हैं। बस आज मेरी शादी है, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओ माय गॉड, मेरी दुल्हन आ गई। वेलकम जानू, सुनना मेरी बात, आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। देख, मैं नहीं चाहता मैं तेरे से कुछ छुपाऊं, सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। और बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, उसके बाद चाचा आ जाएंगे, ये कमरा उनका है। ए, इतना चिल्ला क्यों रही है, आराम से बोल, क्या हुआ है तेरे को? एक बात बता, तूने आज तक बताया नहीं तुम लोग घर में कितने भाई बहन हो। चल ठहर के बता दे, लेकिन बता देना कितने। अच्छा, 5 है, 5 है, ओके ओके। तो कमरे कितने हैं घर पे? बाथरूम मिला के नहीं, नहीं सिर्फ कमरे। अच्छा, 6 कमरे, तो फिर तुम्हारे उधर ही चलते, इधर तो रिश्तेदार बड़े आए हुए हैं। नहीं, बात सुन, तू बोलती क्यों नहीं है, अजीब अजीब इशारे करती रहती है। अब तो शादी होगी, अब तो बोल, 3 महीने हो गए जब से लेके चिट्ठियां लिख के भेज रही मेरे को। हाँ क्या तू गूंगी है? गूंगी बीवी, ये तो हंस हंस के मर जाएगी। ओए सुन, पेड़ा गर्क, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तू गूंगी है? अच्छा, मैंने मौका नहीं दिया, तो जो मैंने तुझे मौके दिए उसमें कौन सा मेरा भला कर दिया तूने? बेड़ा गर्क, ऐसी शादी पर अब खर्चा किए, एक बार तो सुहागरात मनाऊंगा ही मैं। ए सुन, अगर तेरे से ही शादी होनी थी, इससे अच्छा तो मैं अंदर ही अच्छा था। पर आप लोग क्या देख रहे हो, किस उम्मीद में बैठे हुए? सुहागरात देख के जाओगे? कॉमेडी देखने आए हो? कॉमेडी देख के निकलो, नंबर दो, हम अंदर जाकर बनाएंगे। श्वेता और कपिल की इस शादी के लिए आपका आशीर्वाद है या नहीं? सही बोला कपिल, तुमने किस चीज का इंतजार है? कॉमेडी देखने आए थे, कॉमेडी देखो, मजे करो और निकल लो। आपका एक्ट ऐसा ही होता है श्वेता, आपने वो शर्माने वाला और वो सब जो अंदाज था, टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन के अंदाज में किया आपने। योर एक्ट वॉज वेरी फनी, वेरी एंटरटेनिंग, वन मैन शो था, लेकिन उसे 4 चांद लगाने वाली आप श्वेता थी। इट वॉज अ वेरी वेरी वेल राउंडेड, वेरी यूनिक एक्ट। थैंक यू मैम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस एक्ट के बारे में, मैं सिर्फ ये कहूँगा जितना श्वेता इस एक्ट को एंजॉय कर रही थी, उतना ही हम इस एक्ट को एंजॉय कर रहे थे। और मैं श्वेता के एक्सप्रेशन से मैं कपिल को आज उनके वेल डिसअपॉइंट दूंगा। थैंक यू। तो क्या है ये पॉइंट, जरा बता दीजिए हमें प्लीज सुहेल। थैंक यू सुहेल भाई, थैंक यू अर्चना, 10 पॉइंट की बात है, आपको परफेक्ट स्कोर मिल गया। जोरदार तालियां कपिल और श्वेता के लिए। प्लीज वेलकम सुगंधा एज डेड गर्ल एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। एक ही बोलेगा। प्रॉब्लम ये ना, बोलो तो मजा नहीं आता, ना बोलो तो मजा नहीं आता, और ऊपर से मैं बोर्ड दिखा भी किनको रहा? हिंदी में बोर्ड दिखा दो इनको समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में दिखा दो इनको समझ में नहीं आता। अच्छा अर्चना जी, आप भी सोच रही होंगी ना कि हमारी क्रिएटिविटी कितनी क्रिएटिव है, कहां से लाती है ना इतने अच्छे अच्छे आइडिया ढूंढ के। म्यूट पार्टनर परमीर जी ने दिया है, कहते शादी के बाद से मुझे म्यूट पार्टनर राउंड बना के रखा हुआ है। नहीं, सो स्वीट ना, वो कुछ भी कहें सो स्वीट, हम कुछ भी कहें। खैर, मैंने तो जी ये धंधा ही चेंज कर लिया है कि नई कॉमेडी होती तो क्यों करनी है। अच्छा काम किया खबरें फैलाने का,
मैंने अखबार बेचने का धंधा शुरू किया। ये देखिए बस इसको रोल करो। अर्चना जी मुंह मत खोलो, पेपर रोल है, एग रोल नहीं है। अर्चना का कपिल को धोखा, आज की ताजा खबर, अर्चना का कृष्णा के साथ कुछ चल रहा है। हंसो मत, सच में चल रहा है। जयपुर में सेट लगा है, रोहित शेट्टी की फिल्म है, दोनों वहां में काम कर रहे हैं, जिसमें अर्चना ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा जी, मैंने आपकी तारीफ की, अब दो नंबर एक्स्ट्रा बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वैसे ना जितनी हमने फिल्म की प्रमोशन कर दी है ना, अब शेट्टी साहब को बोलना इस लेवल की बना लेना। नहीं नहीं, वैसे वो बनाते हैं इस लेवल की, लेकिन आप दोनों उसमें काम कर रहे हैं इसलिए मुझे डाउट है। मारूंगी आप पे, नहीं कृष्णा पे। हाँ। शुरू करता हूँ आज की ताजा। ये क्या है, ये कॉमेडी सर्कस वाले पागल हो गए? ये कर्नाटका की अखबार मुझे दे दी साले, अखबार मद्रासी, स्क्रिप्ट फारसी, जज अंग्रेजी, मैं पंजाबी। कौन कहता है कि हम सब एक नहीं हैं, हम सब एक हैं। अर्चना जी आज देखिए कि एक कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी जीरो आएगी, और एक और जीरो जब मिलते हैं ना तो कुछ अच्छा बनता है। तो आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। चलो अच्छा है, कपड़े झाड़ने पड़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो ये क्यों गिर गई? सर जी मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं जिसको हाथ लगाता हूँ वो गिर जाती है। परसों मैंने डॉलर को हाथ लगाया, ₹5 नीचे गिरा वो। मर गई? नहीं, अगर पुलिस आ गई तो? एक तो ठाकुर कुछ बोले और वैसा गंदा हो ना। भाग भाग ठाकुर भाग। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई सारी ऑडियंस, हो गए हैं जज भी। ओ माय गॉड, एक मिनट, पहचाना? इंस्पेक्टर पप्पू बशूर बड़ा ना। एक मिनट, फोन आ गया। हेलो, क्या तुम्हें तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया? डोंट वरी, मैं तुझे अपने घर में रख लूंगा। क्या? हेलो, फोन काट दिया। देख लो, पब्लिक की मदद करो, फिर वो कहती है कि मदद नहीं करते। अब नहीं, ये क्या हो गया? पप्पू भाग ले। नहीं नहीं पप्पू, तू पुलिस वाला है, तुझे पुलिस का फर्ज निभाना होगा। यस। हेलो मैडम, कुछ बोलो, इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। इतना एटीट्यूड दिखाते हो बाद में कहते हो कि आदमी कुछ करता नहीं है। उठो, पैसे आपने भी लिए हुए हैं। इधर बैठो। हाँ, किसी ने तो कत्ल अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इंस्पेक्टर पप्पू पता लगाएगा। ओ जजेस, तो आपने क्या देखा? ओ कपिल का एक्ट। सर बाकी भी यहाँ एक्टिंग करने आते हैं, उनके अलावा बाकी वो देखोगे अच्छा लगेगा आपको। तुमने क्या देखा? आपने ये जो आगे सीट ली है ना, मुझे पता क्या देखने के लिए ली है। सच्ची बात बताऊं, इस सीट पर बैठ के जो नज़ारा देखने का है ना, कहीं नहीं है। सोया जी यहाँ बैठा करो, जो 2 लाख आप लेते हो ना, अगर हाथ से 1 लाख ना दे के गए तो मुझे कहना आप। खैर। हेलो प्रोड्यूसर विपुल जी। यस सर, क्या आर्टिस्टों की पेमेंट कर रहे हैं? अच्छा, सिर्फ टैलेंटेड लोगों की? क्या सुगंधा के सीरियल की TRP बढ़ गई है? अच्छा सुगंधा को निकाल रहे हो। अच्छा फीमेल सिंगर चाहिए आपको जो अपनी आवाज में गाती हो। एक मिनट, अब देखो मेरी कॉमेडी देखो, मुर्दों में जान डाल देती है और इन मर्दों की जान निकल जाती है। प्लीज FIR लिखाइए। जब कत्ल हुआ आप क्या कर रही थी? मैं तो रस्ते से जा रही थी, भेलपूड़ी खा रही थी। भेलपूड़ी बाद में खाना। कितने बजे की वारदात है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इंतजार। आजा पिया आई बाहर। बाहर जाना अकेली, जा मुझे को साथ में लेके जा रही है तू? मैंने 4 साल मेहनत की है यहाँ पे। सर केस सॉल्व है, क्योंकि इसको अकेली को बाहर जाना, मेरा जिक्र भी नहीं आना चाहिए। इस पे दफा लगती है, दफा एक, कि इसने मुर्दा होने के बावजूद जिंदा होके काम करने की कोशिश की। तुझे करना है करना करना, जब देते हैं तब क्यों नहीं करती? दूसरा, जब कॉमेडी नहीं आती तो कॉमेडी सर करने आम लेने आई हो? मुझे मुझे आती है।
तो चार साल से मुझे बता रही है कि मुझे नहीं आती है, मैं नहीं मानता उनकी। सर आज यहाँ पर कॉमेडी की जो निर्मम हत्या हुई है उसके लिए आप कितनी सजा देना चाहें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अर्चना, ठाकुर के लोचे के बारे में क्या है आपने सोचा? राजीव, बहुत मुश्किल था जो आपने स्टेज को 10 मिनट के लिए पूरा अकेले संभाला है, एंड आपने किया भी बहुत खूब। बट माई मार्क्स विल बी फॉर द होल एक्ट, बट व्हाट आई लाइक्ड वाज योर स्टैंड अप वेरी मच। Well, actually, मैं सुगंधा के बारे में बात करूंगा। Being a dead body, लेकिन जब भी आपको मौका मिला to have your moments in the act, आपने उसका पूरा एडवांटेज उठाया। और coming to you, राजीव, आपने आपके एक्ट्स enjoy करने आपने शुरू कर दिया है। You are becoming into a fabulous stand-up comedian and an actor. वाह वाह! तो अब मार्क्स भी दिखा दीजिए, please. सहेल, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 points. Archana? For me also it's a 9. 9 points. हंसी के ऐसे ही कई अनोखे अंदाज हम लाते रहेंगे आपके पास, only on Kohinoor True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर, तबला तोड़।